हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैग्नेट सैन गेमिंग। तो आज फाइनली 0.13.0 का पैच नोट आ गया है पबजी का, जो कि यानी कि मेंटेनेंस नोट आ गया है, जो होगा कल सुबह, यानी कि जैसे ही डे चेंज होगा पबजी का, यानी कि UTC 00 पे मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कल से कब चलेगा। तो जैसे कि आपके पास नोट, ये जब भी पबजी ओपन करते हो, आज अभी यानी कि शाम से ही शुरू है, तो इस पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो आप अपना पबजी ओपन कर लीजिए। तो आपके पास ये ऐसा नोट आएगा, उस नोट में लिखा हुआ है पहले बड़े जो भी मेन मेन टॉपिक है उन पर बात कर लेते हैं क्या होगा। तो UTC 0 पे स्टार्ट होगा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अगर किया जाए तो सुबह 5:30 बजे शुरू होगा मेंटेनेंस, और UTC 8 पे चलेगा, यानी कि लगभग 1:30 PM, जो दोपहर के 1:30 बजेंगे तब तक ये मेंटेनेंस चलेगा, तब तक आपका पबजी ओपन नहीं होगा, और उसके बाद में ओपन हो जाएगा आपका। और ये अपडेट कब आएगा? अपडेट आएगा 12 तारीख को, यानी कि 11 को, कल 11 है तो पैच चलेगा, और उसके बाद में आएगा 12 को अपडेट आएगा। अपडेट कितने आएगा? तो आपको इन गेम अपडेट नहीं आएगा, आपको प्ले स्टोर में जाके अपडेट करना होगा। जिनके एंड्रॉयड है उनके 1.98 GB का आएगा, और जिनके iOS है उनके 2.45 GB का आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो भी है ये क्या क्या मिलेगा, आउटफिट वगैरह जो भी ये रिवॉर्ड मिलेंगे वो मिल जाएंगे। उसके बाद में कि ब्रांड न्यू में मेनली क्या क्या ऐड किया गया, तो इसमें एक तो ऐड किया है डेथ मैच, यानी कि 4v4 बैटल, जो भी यानी कि जो COD यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी में 5v5 डेथ मैच होता है, उसी तरह इसमें 4v4 होगा। तो इसमें 4v4 बैटल यानी कि डेथ मैच ऐड किया जाएगा, जो कि इसका मेजर अपडेट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि दो टीमें होंगी, आपको खुद की अपनी टीम बनानी है, और उसके बाद में आप मैच में जाएंगे तो सामने एक और टीम होगी, तो एक छोटा सा एरिया होगा, उस एरिया में आप जैसे आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में पता ही होगा कैसे होता है, तो उस तरह से होगा। अगर जिसको नहीं पता है तो कॉल ऑफ ड्यूटी का देख ले, उसने तो आ जाएगा, वैसे भी आप देख लेना। तो उसमें आप एक तो ये ऐसे कर सकते हैं, दूसरे अगर आप अपनी ही टीम के मेंबर के साथ खेलते हैं, जैसे मान लो 8 जाएँ आप दोस्त हो गए, तो 4-4 की टीम में 2 टीम में खेलना है, तो आपको रूम क्रिएट करना होगा। उस रूम क्रिएट में जैसे नॉर्मल रूम क्रिएट करते हैं उसी तरह रूम क्रिएट करना होगा, और उस रूम में आप खेल सकते हैं। तो मेनली यही है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं डेथ मैच के फायर फाइटर इन बहुत, यानी FPP और TPP दोनों मोड में खेल सकते हैं। उसके बाद में आता है एडिट कंट्रोल सेटिंग, तो ये कंट्रोल सेटिंग होगी, एडिट कंट्रोल सेटिंग फॉर FPP प्लेयर के लिए एक यानी कि कंट्रोल सेटिंग ऐड करिए। प्लेयर कैन बी हैव एक्सपेक्टेड सेटिंग फॉर TPP एंड FPP, यानी शायद तक TPP से FPP क्लच वाला होगा शायद तक। उसके बाद में आता है अपग्रेड थर्ड पार्टी है ऐप प्रिवेंशन, ओके, तो इसमें थर्ड पार्टी ऐप प्रिवेंशन भी डालती है, यानी कि जो हैक वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये स्ट्रिक्ट रूल लेके आ रहे हैं, उस वजह से शायद तक हैकर कम हो जाए, जो कि होने वाला है नहीं कभी। उसके बाद में MVP 100 वगैरह ये कुछ नहीं, ये जो भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वगैरह उनके बारे में है। तो उसके बाद में वीकेंडी में एक ऐड होने वाला है, जिसमें आप क्या कहते हैं यानी कि जो स्नो है, स्नो के ऊपर जो भी प्लेयर वगैरह होंगे तो उनके फुटप्रिंट शो होंगे, तो ये एक ट्रायल वगैरह ऐड किया जाएगा। उसके बाद में डेडिकेटेड बटन फॉर क्लाइंबिंग, ओके, तो एक और बटन यूज़ किया जाएगा, जैसे अभी जंप वगैरह है तो इस तरह से एक और बटन ऐड किया जाएगा, जिसको क्लाइंबिंग होगा, तो क्लाइंब करने का एक बटन और ऐड करने जा रहे हैं ये, ठीक है, वैन किल्ड बाय फायर, ठीक है। और अगला अपडेट है, जैसे आपने टीममेट से कभी अगर किसी तो दूसरा सर्वर चेंज करके आप मिशन करते हैं, तो और बाद में उसमें बम मार के अपना मैच ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, अगर अपने टीममेट को मार देते हैं तो आपकी रेटिंग कम हो जाती है। तो अब ये होगा कि अगर आपका टीममेट चाहेगा तो ही आपकी रेटिंग कम होगी, जिसको आपने मारा है, अगर वो नहीं चाहता कि आपकी रेटिंग कम हो तो नहीं होगी, अगर वो रेटिंग कम कराना चाहता है तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी फ्रेंडली फायर में, ओके। उसके बाद में अगला अपडेट है कि एक थीम ऐड की जाएगी गोजिला की, जो कि अभी इवेंट चल रहा है, तो गोजिला की थीम ऐड की जाएगी, और सामने साथ में कुछ रिवॉर्ड वगैरह ऐड किए जाएंगे, इवेंट वगैरह वो ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके बाद में आएगी एडेड न्यू पॉपुलरिटी गिफ्ट, ओके, जिनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, जो यूट्यूबर वगैरह बहुत सारे पॉपुलर जो प्लेयर है, तो उनकी पॉपुलरिटी वगैरह उनके रिवॉर्ड मिलेंगे, आप उनको तो मिलना ही, तो टॉप 100 प्लेयर होंगे उनको मिलेगा, यानी मंथली जो पॉपुलरिटी रिवार्ड वगैरह रिसेंट पॉपुलरिटी है उसके हिसाब से मिलेंगे। तो आते हैं आगे कुछ
एडेड है क्रिज्मा रैंकिंग, पता नहीं ये कौन सी है, दी परमानेंट आउटफिट एंड फायर आर्म व्हीकल। ओके, परमानेंट आउटफिट फायर आर्म वगैरह इसमें है कुछ, क्रिज्मा वगैरह कुछ ऐड किया जाए, पता नहीं क्या है। फिर है न्यू अचीवमेंट, तो अचीवमेंट वगैरह कुछ ऐड करी जाएगी जो कि ये होगी 4v4 डेथ मैच के बारे में होंगे, तो इनमें आपको खेल के अचीवमेंट पूरी करनी है जिससे आप जल्दी से जल्दी और अचीवर पहुंच पाओगे। तो और अचीवर का अगर आपने, आपको वीडियो देखना है कि कैसे जल्दी से पहुंच जाए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल पे वीडियो मैंने डाल रखा है पहले से, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद में अदर इम्प्रूवमेंट में चल सकते हैं, तो सर्वर टिल डाउन या एंड डार्क डार्केस्ट नाइट चेंजेस। ओके, तो कुछ चेंजेस किए जाएंगे जॉम्बी मोड में, तो इसमें सबसे पहले आता है कि ओल्ड जॉम्बी रिप्लेस बाय 4 टाइप्स ऑफ न्यू जॉम्बी। ओके, जो भी ओल्ड जॉम्बीस है उनको 4 नई टाइप के जॉम्बी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और नाइट्रोजन ग्रेनेड है, नाउ लीव बिहाइंड अ क्लाउड। ओके, तो यहाँ पे क्लाउड ऑफ फ्रीजिंग स्मोक जब भी आप करेंगे, नाइट्रोजन जो बॉम्ब होता है उसका यूज़ करेंगे, तो उसके बाद में आपको कुछ क्लाउड वगैरह शो होगा यूज़ करने के थोड़ी देर बाद में उसके पीछे, तो जो कि रिड्यूस कर देगी स्पीड, मूवमेंट की स्पीड जो भी है वो रिड्यूस कर देगी। फिर एडेड न्यू मोड कॉम्बैट मॉडिफायर। ओके, तो एक नया मोड ऐड किया जाएगा। फिर आता है सर्टेन जोमिन और जोन मोड के बारे में, ये काफ़ी सारी अलग चीज़ें जिसमें एक मैंने जो पुलिस रेकून पुलिस स्टेशन है उसको चेंज करके एक न्यू फैक्ट्री ऐड की जाएगी। ओके, तो उसके बाद में नया आता है इन्वेंट्री इम्प्रूवमेंट, तो इन्वेंट्री में कुछ वगैरह इम्प्रूवमेंट करे जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है वो इसमें लिखा हुआ है, वो जब भी इन्वेंट्री वैसे भी इतना ज़्यादा कोई चेक नहीं करता है। उसके बाद में आते हैं आर्केड मोड ओपनिंग टाइम। ओके, तो ये इसमें चेंज कर दिया जाएगा कि वीक में किस किस दिन है क्या, यानी कि कौन सा आर्केड मोड स्नाइपर कब आएगा, कब वार आएगा, या कब जो भी खेलते हैं क्विक मैच वगैरह तो उनका टाइमिंग क्या होगी वो चेंज कर दी जाएगी। और फिर प्रोटेक्टिव आइटम्स आना हो 50% मोर ड्यूरेबल। ओके, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव आर्म्स होंगे, यानी कि जैसे वेस्ट हो गया या हेलमेट हो गया, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट इफेक्टिवनेस यानी कि इफेक्टिव तो होता ही रहेगा पर डैमेज बहुत, यानी कि अगर डैमेज बहुत कम होगा 50% ड्यूरेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में प्लेयर के अंदर बोल्ट रिवोल्ट और ये पता नहीं इसमें मूविंग इंस्टेड ऑफ। ओके, तो इसमें क्या है कि आप जो भी बोल्ट एक्शन वाले जो भी स्नाइपर वगैरह है उनको रिलोड कर सकते हैं मूविंग इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस। ओके, तो मूव करते हुए पता नहीं ये कैसे करेंगे। उसके बाद में एक एनिमेशन वगैरह SMG यूज़ करते हुए आपका FPV में एनिमेशन थोड़ा इम्प्रूव करेगी। फिर व्हीकल नाउ हैव इम्प्रूव्ड फीडबैक ऑन एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन के वक्त कुछ व्हीकल में इम्प्रूव करेंगे ये। उसके बाद में इवेंट सेंटर हैज़ इम्प्रूव्ड इंट्रैक्शन एंड बेटर ट्यूटोरियल फॉर द इवेंट मिशन। पता नहीं इवेंट में ये क्या करने वाले हैं। उसके बाद में क्रू चैलेंज, सबसे एक और मेजर अपडेट है जो कि क्रू चैलेंज की वजह से, क्रू चैलेंज के लिए जो क्रू चैलेंज में अभी 5 मैच होते हैं, डेली के 5 मैच में से सिर्फ 2 मैच खेल पाते हैं, तो वीकली 2 वीक तो चलता है, पर वीक 3 दिन चलता है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो 2 वीक तक चलता है, तो वही टाइमिंग तो वही रहेगी, बट अब पहले 5 मैच से 2 मैच खेल पाते हैं तो अब 6 मैच से 3 मैच खेल पाएंगे, यानी कि टोटल ऑफ 12, पहले जहाँ 12 मैच खेले जाते हैं वहाँ अब 18 मैच खेले जाएंगे, और कुछ न्यू आइटम्स वगैरह ऐड करे जाएंगे। और जब भी आपका क्रू चैलेंज का मैच होगा तो उससे 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा पबजी की तरफ से, तो ये ऐड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा क्लैन में और क्लैन लेवल 7, लेवल 9 या लेवल 10 पे पहुंचने पे, अभी तो लेवल 3 तक ही रिवार्ड है जो कि यानी कि आपकी टी शर्ट वगैरह मिलता है, तो उसके अलावा अब आपके लेवल 7, लेवल 9 और लेवल 10 पे पहुंचने पर अलग रिवार्ड मिलेगी, रिवार्ड ले सकते हैं, तो वो ऐड किया जाएगा। तो मेनली यही है आपके, तो बस यही पैच नोट में है, तो ये सारा अपडेट आपको 12th यानी कि कल मेंटेनेंस चलेगा, और 12th जून को आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। ये यानी कि आपको सिंपली जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है। अगर आप 19 जून से पहले पहले अपडेट कर देते हैं तो आपको आउटफिट बॉक्स 7 डे के लिए, आउटफिट बॉक्स 3 जो कि 7 डे के लिए होगा वो, और 1888 BP कॉइन मिल जाएंगे। अगर उसके बाद में अपडेट करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेंगे।
तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि बहुत लंबा ही पैच आया है। तो ये 0.13.0 अपडेट है जो कि अभी आ गया है। इस बार बहुत जल्दी आया क्योंकि हर बार 17 के आसपास आता है, इस बार 12th में, ये 12th को ही आ गया। तो बस इस बार बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत महीने बाद कोई 1.5-2 GB का अपडेट दिया है पबजी ने। नहीं तो हर बार 400-500 MB का देता है। तो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और डेली वीडियो आते जाते हैं और नए वीडियो, नए ट्रिक वगैरह सब डालूंगा, तो देखते रहना। थैंक यू गाइज।